अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल से बड़ी खबर की। एचयूटी के सभी संदिग्धों को जेल भेज दिया गया है। 2 जून तक के लिए जेल में रहेंगे सभी आरोपी। पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में नहीं दिया आवेदन। भोपाल हैदराबाद छिंदवाड़ा में पकड़े गए थे ये 16 आतंकी। पिछली बार 19 तारीख को कोर्ट में ये संदिग्ध पेश हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एचयूटी के संदिग्धों को लग रहा था और उनके लिए रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड पर रखा जाएगा, पर रिमांड पर नहीं रखा गया है, जेल भेजा गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इन आरोपियों को 9 तारीख को पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड ली गई थी और उसके बाद लगातार ये लोग पुलिस रिमांड पर थे। और आज जिस तरीके से इन लोगों को जब पेश किया गया था, तो उम्मीद थी कि कुछ आरोपियों की पुलिस रिमांड और बढ़ सकती है या पुलिस मांग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पुलिस ने कोई रिमांड नहीं मांगी और उसके बाद आज इनको जेल भेज दिया गया। आगामी 2 जून तक ये लोग जेल में रहेंगे और उसके बाद 2 जून को इनको वापस से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की स्थिति तय होगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा केस आगे चलेगा। जी जी जी, आखिर क्या कहना था, आखिर रिमांड पर नहीं लेने की वजह भी क्या कुछ सामने आ पाई है क्या? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस का ऐसा मानना है कि जितनी जानकारियां इनसे जुटानी थी वो लगभग 2 बार की रिमांड में, पहली बार 10 दिन की और दूसरी बार 5 दिन की रिमांड में जानकारियां जुटा ली गई हैं। और जानकारियों के आधार पर अब एटीएस की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अब उनसे अग्रिम जो पूछताछ है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी और यही कारण है कि आज पुलिस ने इनकी जो पुलिस रिमांड है उसके लिए कोई आवेदन कोर्ट में नहीं दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आज सबको जेल भेज दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।